अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सामिया मजीद है। मैं मैरीटाइम साइंसेस डिपार्टमेंट में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और बहरिया कराची कैंपस में, बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ इनाम, जो कि प्रिंसिपल हैं मैरीटाइम स्कूल के, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पैनल में सर लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद इदरीस, जो सीनियर लेक्चरर है मैरीटाइम साइंसेस डिपार्टमेंट में। मैं इन सबको वेलकम करती हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर आसिफ इनाम से है कि ये जो कोस्टल जोन कोस्टल एंड मरीन साइंसेस का डिपार्टमेंट, एक हमने न्यू प्रोग्राम स्टार्ट किया है बीएस कोस्टल एंड मरीन साइंसेस, इसका क्या फ्यूचर, इसकी अपॉर्चुनिटीज हैं, इसका कुछ ओवरव्यू अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ डॉक्टर आसिफ इनाम से तो वो आपको इसका ओवरव्यू दें। थैंक यू डॉक्टर शर्मा। इसमें बेसिकली बीएस कोस्टल एंड मरीन साइंस प्रोग्राम अपने न्यू ईयर का पहला प्रोग्राम है जो पाकिस्तान में बहरिया यूनिवर्सिटी लॉन्च कर रही है, और इसका मेन मकसद जो लॉन्च करने का है वो ये है कि अभी अगर पाकिस्तान का आप देखें कि पाकिस्तान इज लिस्टेड अमंग दोज कंट्रीज डेट आर गोइंग टू बी वल्नरेबल विद रेफरेंस टू क्लाइमेट चेंज। तो जब हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैजर्ड्स की बात करते हैं तो दो एरियाज ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, या तो माउंटेनस एरिया जहाँ ग्लेशियर्स की मेल्टिंग का इशू आता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, या दूसरा जो एरिया बनता है वो कोस्टल एरिया बनता है। तो चूँकि हम कोस्ट के ऊपर जो आने वाले ख़तरात हैं उनके मुतालिक एक फार साइटेडनेस रखते हैं, और उस वजह से हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, क्योंकि पाकिस्तान इस वल्नरेबल, पाकिस्तान का कोस्ट वल्नरेबल है। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के कोस्ट की तो ये हम को जहन में रखना चाहिए कि दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान के कोस्ट भी बहुत ज़्यादा हैविली पॉपुलेटेड है, स्पेशली कराची और सिंध का कोस्ट आप देखें। और दूसरा, ना सिर्फ एक हैविली पॉपुलेटेड है बल्कि इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो कोस्ट के ऊपर हैं, और इन केस ऑफ सी लेवल राइज आपको इस पूरे कोस्ट की दोबारा नए सिरे से अर्बन प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी आप ये एक देख रहे हैं कि जो सी सरफेस टेम्परेचर हमारे पूरी दुनिया में वो रेस कर रहा है, और उसकी वजह से समंदर की एक्सपेंशन हो रही है, और उसकी वजह से सी लेवल जो है वो रेस कर रहा है, और इट इज़ एक्सपेक्टेड के बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी पाकिस्तान कोस्ट के ऊपर तकरीबन 60 सेंटीमीटर सी लेवल राइज कर जाएगा। और जब आप 60 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये कि 2019 में एक साइक्लोन कराची से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर गुजरा था, और उसकी वजह से तकरीबन 2-2.5 सेंटीमीटर सी लेवल रेस किया था। उसका इम्पैक्ट ये हुआ था कि आपके गोल्फ क्लब डीएचए का और इब्राहिम हैदरी और छठा बदीन के इलाके जो है वो जेर आब आ गया था। तो जब 1.5-2 सेंटीमीटर से ये सारे इलाके जेर आब आ सकते हैं, तो अगर आप 60 सेंटीमीटर को विजुलाइज करें तो आपकी पूरी कोस्टल पॉपुलेशन और सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल जो आपके एरिया है, चाहे लांडी है, साइट है, या हमारे दूसरे थर्मल और दूसरे प्लांट्स हैं जो पावर प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें पूरी नए सिरे से अगले चंद सालों में कोस्टल प्लानिंग करनी पड़ेगी, अर्बन प्लानिंग करनी पड़ेगी, और इन तमाम एरिया को
हमने प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग चाहिए होंगे जो कोस्टल डेवलपमेंट में हिस्सा ले सकें और कोस्टल प्रोटेक्शन के प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें। और हम जो जिस तनाजुर में हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है उसमें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑल अलोंग द पाकिस्तान कोस्ट होगी और आपको नए नए प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे या जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको सिक्योर करना पड़ेगा या उनको पीछे लेकर जाना पड़ेगा। तो इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। अभी आप ये देखें एक पाकिस्तान कोस्ट का मैप है और जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है उसकी जो प्रिडिक्शन है वो इस पर वाजह है कि 60 सेंटीमीटर सी लेवल बढ़ेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली मतलब हैजर्डस है और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होगा वो सेम कोस्ट होगा। और इस इन तमाम खतरात को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो सिलेबस डिज़ाइन किया है वो इसी उसमें डिज़ाइन किया है कि पाकिस्तान में या कराची में बस यूनिवर्सिटीज़ मेरीन साइंस ऑफर करती हैं लेकिन हम ने इसमें कोस्टल जो एरियाज हैं उनको ऐड किया है और हमने बहुत अप्लाइड किस्म के इसमें प्रोग्राम्स रखे हैं, कोर्सेज रखे हैं जिनसे स्टूडेंट्स को आगे वाले जो खतरात हैं उनसे निपटने में आसानी होगी। बहुत शुक्रिया सर। सेकंड क्वेश्चन मेरा सर रिवीज से है कि जैसे कि डॉक्टर आसिफ ने कहा कि ऐसे कोर्सेज हमने इसके अंदर ऑफर किए हैं बीएस कोस्टल एंड मरीन साइंसेज में जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो ऑफर किए जा रहे हैं उनसे डिफरेंट है। सर मैं भी सर जी से चाहती हूँ कि आप सर इसके ऊपर थोड़ा ओवरव्यू दीजिए कि वो ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो डिफरेंट हैं जो हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं और दूसरी यूनिवर्सिटीज उसको ऑफर नहीं कर रही एडवांस कोर्सेज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर डॉक्टर साइमा, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। बेसिकली हम डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहे हैं कि और हम ये अपने डिपार्टमेंट से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च करने का पर्पज़ यही है कि हम लोगों को बताएं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोस्टल जोन में है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तानी कोस्ट पे या किसी भी कंट्री की कोस्ट पे हो सकता है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। तो हम बेसिकली लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैरीटाइम सेक्टर भी इसमें बहुत इफ़ेक्ट होगा। जब हम मैरीटाइम सेक्टर की बात करते हैं तो जिस तरह सर ने आपको बताया कि हमारा पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बेस करता है हमारी इंडस्ट्री हो सकती है, हमारी इवन पोर्ट्स हो सकती हैं, वो सारी की सारी इसी कोर्स पे बेस करती हैं। और अगर कोई सी लेवल राइज होता है या कोई चेंज आता है तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना हमें इसका मतलब ये है कि हमने उसको रिन्यू करना होगा, हमने उसको रीलोकेट करना होगा। तो हमारा जो बेसिकली हमारा जो कोर्स है डिज़ाइन किया हुआ है हमने उसको रिलेट किया हुआ है सब्जेक्ट के साथ के आपके साथ अगर पोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अंदर क्या चेंजेज आनी पड़ेंगी, आपको अगर बाकी पोर्ट्स के अंदर और कोई चीज़ें ऐड करनी होंगी तो वो कैसे करेंगे, इसके अलावा आपकी इंडस्ट्री उसके साथ कैसे एफिलिएट कर सकती है, इंडस्ट्री कैसे उस पर इफ़ेक्ट हो सकती है, उसको हमने शामिल करने की कोशिश की है। इसके अलावा हम इसमें अर्बन डेवलपमेंट की बात भी करेंगे कि कैसे जो आपकी अर्बन डेवलपमेंट है वो भी कंट्रीब्यूट करती है उसके आपके जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट है, क्योंकि जो रिसोर्सेज आपके कोस्ट पे अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कराची की बात करते हैं तो अगर आपके पास जो कोस्टल जोन में आप या आपके सी के अंदर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को आप किसी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको सस्टेनेबली यूज़ करने के लिए आपने एक तरीके से इस्तेमाल करना होता है। सो हम इसको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर हमारी ये कोशिश भी है कि हम आपको बताएं कि आपने अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबिलिटी के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। सो बाकी जो आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं वो शायद उसको ज़्यादा उसमें बयान करें कि आपकी जो सी लेवल राइज है वो क्या रहा होता है, लेकिन हमारा पर्पज़ ये है कि हम इसको मैरीटाइम से लिंक इसका बनाएं और उसको लोगों को बताएं कि देखें आप अगर इस सी को छेड़ते हैं या अगर कोई सी लेवल राइज होता है या अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है और जिस तरह सर ने बताया कि
पाकिस्तान इज अमंग द वर्स्ट वनरेबल, यानी एट्थ मोस्ट वनरेबल कंट्री इन द वर्ल्ड एज फार एज क्लाइमेट इज कंसर्न। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी, तो हमने इन चीज़ों को कैटर करना है। इसके अलावा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके जो विजिट्स वगैरह हैं वो भी इस तरह कराएं, आपको दिखाएं कि कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, ताकि लोगों को विजुअली भी पता चले। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस का हमारा पर्पस यही है कि हम क्या करें कि हम अपनी यूथ को प्रिपेयर कर लें, अपने यूथ को अंदर एक एक अवेयरनेस भी ले आएँ और एक प्रिपेयर भी कर लें कि आपने किन किन चीज़ों के बारे में लर्न करना है और कौन कौन से एरियाज हैं जो कि फ्यूचर में आपके लिए कारामद हो सकती हैं। सो इन अ वे वी आर प्रिपेयरिंग आवर फ्यूचर, आवर नेक्स्ट जनरेशन फॉर द इवेंट्स व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा डॉक्टर आसिफ से है। सर, ये जो प्रोग्राम है बीएस कोस्टल एंड मरीन साइंसेज, इससे रिलेटेड कोई अपकमिंग इवेंट या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई प्रोग्राम डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज करवाना है इन फ्यूचर, कुछ प्लान है इस तरह का? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, इसमें अभी इदरीस साहब जिक्र कर रहे थे सस्टेनेबिलिटी का, तो इसको मैं थोड़ा सा और एलाबरेट कर दूं कि ये जो कोस्टल एंड मरीन साइंसेस का प्रोग्राम है, ये बेसिकली इसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तीन डिफरेंट गोल्स, एक तो SDG 13 है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, SDG 14 जो मरीन एरिया से रिलेटेड है, और SDG 15 जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उस पे ये सारा हमने फोकस किया है। और सारे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं या कोर्सेस हैं वो इन ही मेन SDGs को लेकर चल रहे हैं। और इसमें एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है वो आपके इल्म में होगा कि यूनाइटेड नेशन में 2021 से 2030 का जो टाइम है उसको डिकेड ऑफ द ओशन साइंस डिक्लेयर किया हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्सेज। तो उसमें बेसिकली अगर जैसे हम कोस्टल एरियाज की वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, तो जब कोस्टल एरिया जैसा भी आप सामने स्लाइड देख रहे हैं, तो जब आप कोस्टल एरियाज के जो थ्रेट्स उसके दरपेश हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो मरीन पोल्यूशन पे भी आएगा, क्योंकि जब कोस्टल इरोजन होगा या आप लैंड लॉस होगा या आपके जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं या इंडस्ट्रियल एरिया है, जब वो समुद्र की लहरों से टकराएगा, तो उसकी वजह से मरीन पोल्यूशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और उसका इम्पैक्ट, मरीन पोल्यूशन का इम्पैक्ट ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी पे भी आएगा बल्कि लोगों की हेल्थ पे भी आएगा। और ये चूँकि SDG 14 का भी एक मेन कंपोनेंट है और ओशन डिकेट का भी एक मेन कंपोनेंट है, और 2030 तक का जो टाइम है वो यूनाइटेड नेशन ने दिया हुआ है कि वो इन सारी कोस्टल स्टेट्स हैं वो पाबंद है इस बात के कि उन्होंने इंश्योर करना है कि उनका जो मैरीटाइम एरिया है वो एक हेल्दी ओशन हो, और उसमें जो मरीन रिसोर्सेज हैं या लाइफ है, फिशरीज है, वो कंजर्वेशन और सस्टेनेबल लिमिट के अंदर हो। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, इसमें बेसिकली जैसे मैंने इसको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ये तनाज़ुर में हमने किया है, तो इसमें जितने भी इवेंट्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो रहे हैं या पाइपलाइन में हैं, उनमें हमारा जो डिपार्टमेंट है ऑलरेडी पार्टिसिपेट भी कर रहा है। और इसमें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप्स पे या स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में भी हम स्टूडेंट्स को इनक्रेज करें कि वो, चूँकि ये बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है और टेक्निकल फील्ड है, लिहाजा हमारा जो स्टूडेंट है
वो आने वाले वक्त के लिए तैयार हो, और जैसे जैसे उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा उसका उसकी क्वालिटी ऑफ लर्निंग भी इम्प्रूव होगी, उसके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स भी इम्प्रूव होंगे और उसके लिए एक नए एवेन्यूज क्रिएट होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर रीज से है कि सर जैसे कि डिपार्टमेंट में कोर्सेज जो मैं अभी देख रही थी इसकी रोड मैप, तो उसमें है कि इंटीग्रेटेड कोस्ट रिवर मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है, मरीन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है, मरीन इकोसिस्टम पढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा कोस्टल टूरिज्म जो है एक कोर्स इसके अंदर मैंने देखा, कोस्टल डायनेमिक्स है, मरीन एक्वास्टिक्स है, रिन्यूएबल एनर्जी है, एक्वाकल्चर है, इसके अलावा जो है मरीन इकोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सारे कोर्सेज इसके अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या रिसर्च से रिलेटेड भी मरीन इकोसिस्टम को लेके रिसर्च कुछ इस तरह के कोई प्लान है डिपार्टमेंट में, कि R&D में भी कुछ इसके ऊपर काम हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन किया। बिल्कुल, जाहिर बात है यूनिवर्सिटी का एक मेन पर्पज़ यही होता है कि हम जो है ना जो भी कंसर्न इदारे हैं या कुछ भी जो भी चेंज आ रहा है माहौल के अंदर या दुनिया के अंदर, हम उस पर एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखें। तो सर्टनली आपने जो टॉपिक्स लिए ये बड़े एक्टिव टॉपिक्स हैं और इनके ऊपर हमने इंडिकेट करना होता है कि इसके अंदर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई चेंज आ रहा है, तो उस चेंज को देखने के लिए सर्टनली वी नीड सम इक्विपमेंट, सम लैब्स। हमारे पास रेलेवेंट हमारे पास इन्वायरमेंटल रिसर्च सेंटर है यहाँ पर, जिसके अंदर हम उसके अंदर पर्टिकुलरली हम देखते रहते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। अगर हमने ऑयल कंटेंट देखना है, टेम्परेचर वेरिएशन देखनी है, तो जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं वी कैन मेजर देम। फिर इसके अलावा एक और बात भी है कि हमारे अपने माशाल्लाह चूँकि ये बहरिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान नेवी का एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम जो है ना डिफरेंट जो हमारे रेलेवेंट फील्ड्स हैं, जो रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनसे भी बात करते हैं और हम उनको कहते हैं कि हमारे ये पर्टिकुलर लोग हैं जो कि इस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली फैसिलिटेट करते रहते हैं। वो फैसिलिटेशन टू वे प्रोसेस होता है कि हमें उनको एक चीज़ मिल जाती है कि देखें दिस इज़ द चेंज कमिंग अप, ठीक है, और इसी तरीके से हमें पता चल जाता है कि वो चेंज क्या आ रहा है और उसके दूरस्थ नतज क्या होंगे। तो ये जितने भी आपने टॉपिक्स बताए, जितने भी सब्जेक्ट बताए, वेरी रेलिवेंट हैं। जिस तरह इको टूरिज्म है या जितने भी सब चीज़ें हैं, टूरिज्म को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें एक लंबी सोच रखें और देखें कि किस हद तक हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं और कहां पर हमने उसको फुल स्टॉप देना है या टेम्परेली उसको रोकना है। तो ये सब चीज़ों के लिए सर्टनली वी नीड रिसोर्सेज। हमारे पास रेलिवेंट रिसोर्सेज हैं, हमारे पास अपने भी कुछ लैब्स हैं, इसके अलावा जो रेलिवेंट लैब्स अवेलेबल हैं जिस तरह KPT हो गया, PNSC हो गया, हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर हम प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं जो कि उनके लिए भी हो और हमारे लिए भी। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि चूँकि बहरिया यूनिवर्सिटी का एक क्लोज एसोसिएशन है पाकिस्तान नेवी के साथ, तो सी क्वीन प्लेटफॉर्म की एक्सेस और या कोस्टल सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन के पॉसिबिलिटीज़ हमारी पाकिस्तान नेवी के साथ भी हैं और बाकी जो ओशनोग्राफिक इदारे हैं उनके साथ भी हैं। और अभी आपने देख जो हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम जो अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च वर्क या थीसिस हम करा रहे हैं या इस प्रोग्राम में हम करवाएंगे, तो उसको हमने मैंडेटरी बनाया हुआ है कि वो SDGs से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है उसके ऊपर वो रिसर्च करें। और वी बिलीव इन मीनिंगफुल रिसर्च, वी डोंट बिलीव इन रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो ऐसे काम करे जिसका फ़ायदा इंडस्ट्री उठाए, हुकूमत उठाए और जो नेशनल और लोकल प्लानर्स हैं उनको फ़ायदा हो, उनकी उनको पता चले कि हमारे क्या फाइंडिंग्स हैं। अभी हमारे जो दूसरे जो प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं BS मेरीटाइम बिजनेस एंड मैनेजमेंट में, तो हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त ना सिर्फ कराची की पोर्ट्स को स्टडी कर रहे हैं बल्कि
उनमें क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और किन एरियाज में वो अगर अपने आप को फोकस करें तो उनके रेवेन्यू में क्या पॉजिटिव तब्दीली आ सकती है, तो वो उस पर भी हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और जैसे इंद्री साहब ने भी बताया कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी वाइड है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे इंद्री साहब ने भी जिक्र किया कि हमारे पास फुल फ्लैश्ड डिपार्टमेंट के पास लेबॉरेटरी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे एनवायरमेंटल रिसर्च के एस्पेक्ट्स हों या कोस्टिक से एक्वाटिक एनिमल से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स हो, उस पे हम डेटा कलेक्शन भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। और अभी हम वी आर प्लानिंग के हम यहाँ जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिल के एकोस्टिक लैब भी हम वी आर प्लानिंग टू इस्टेब्लिश और एकोस्टिक लैब। जैसे सर दुनिया भर में कोरल की कंजर्वेशन की जा रही है सस्टेनेबिलिटी के लिए, या मरीन मामल्स की कंजर्वेशन की जा रही है, तो इसी तरह से आपका एक कोर्स भी है कंजर्वेशन से रिलेटेड। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ पेरेंट, ये जो आपका प्रोग्राम है बीएस कोस्टल एंड मरीन साइंसेज, वो क्यों चूज़ किया जाए? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस फील्ड के अंदर, तो एक स्टूडेंट ये फील्ड क्यों चूज़ करेगा, उसका क्या अट्रैक्शन है इसमें? सॉरी सर, कहने से पहले मैं कुछ ऐड कर लूँ। देखें, दो तीन चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर स्टूडेंट या पेरेंट जो है ना वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को चूज़ करता है। एक तो ये होता है कि उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। सर्टनली जॉब रिक्वायरमेंट इज़ ए पैरामाउंट फॉर एवरी पर्टिकुलर कोर्स। तो जिस तरह सर ने अपने पहले क्वेश्चन के आंसर में बताया था कि ये चेंज आ रहा है और हमें रेलिवेंट बंदे चाहिए इन चीज़ों के लिए। क्लाइमेट चेंज की हम बात करें, उसका इफेक्ट कोस्टल कोस्ट पे क्या आएगा, उसका इफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या आएगा, तो ये रेलेवेंट लोग हों जिनको नॉलेज हो, जिनको पता हो कि इन चीज़ों का कैसे डील करना है। तो ये जिस तरह आईटी आई थी और आईटी ने एक बूम आया था, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, सो सिमिलरली वी नीड प्रॉपर पीपल जो कि इन चीज़ों को डील कर सकें। तो दैट इज़ वाई मेरी पेरेंट्स को और जो भी स्टूडेंट हैं उनको ये बताना है कि इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर, दिस इज पर्टिकुलर फील्ड जो कि आपके काम आएगी। देखिए, जो भी दिलीप साहब ने बात की मैं उसको भी उसमें ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली आप दुनिया भर में अगर आप कहीं भी जाकर देखें तो जितने भी कोस्टल सिटीज़ हैं उनके अंदर वहाँ जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस किस्म के प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही हैं और पिछले कई सालों से चला रही है, जो नॉन कन्वेंशनल फील्ड्स में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। क्यों डेवलप कर रहे हैं? देखें, मैंने पहले भी बताया कि अब वो ज़माना नहीं है कि आप सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए आप डिग्री हासिल करें। अब जो ज़माना है वो आपका स्टूडेंट भी, आप उसके पेरेंट्स भी अब ये देखते हैं कि हमारे बच्चे को किन एरियाज में उसके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं। और हम अभी भी मैं आपको बताऊं कि अभी तक जितने भी हम स्टूडेंट्स हमारे हैं जो पास आउट हुए, वो उनको जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और मेरा ख़्याल है कि मोर देन 85-90% स्टूडेंट जो हैं उनको अपनी फील्ड ही में जॉब मिली हुई है। और एज फार एज दिस न्यू प्रोग्राम इज कंसर्न, इसमें जैसे हम पहले भी बात कर रहे हैं कि आप अभी अगर देखेंगे उस सिनारियो को, आप देखेंगे जब हम 60 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, तो 60 सेंटीमीटर तक पहुंचने में अभी 30-40 साल का टाइम है। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो सडन नहीं होता, ग्रेजुअल होता है। तो ऑलरेडी आपके कोर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट आने लगा है और बहुत सारे एरियाज जो हैं दे आर मतलब जो अगर ठंडा दीन सदावल की तरफ आप जाए तो
तो बहुत सारे साहली इलाके जो है वो कटाव का शिकार हो रहे हैं, और बहुत सारी जो मैं जब इस फील्ड में आया आज से कोई 35-40 ईयर्स बैक, तो जिन जगहों पे सेम के रेड राइस लगता था या केले के बागात थे या अमरूद के बाग थे, वो सारे अब वो समंदर के अंदर चले गए। तो इसी तरीके से अभी तो ये आपकी काश्तकारी वाली ज़मीन शिकार हो रही है। एक वो वक्त दूर नहीं है जब आपकी जो लांडी को रिंगी का इंडस्ट्रियल एरिया है या साइड का इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें इश्यूज आएंगे या आपके पोर्ट के ऊपर इसका प्रेशर आएगा। तो इसमें ये सारी जो फील्ड है ये इमर्जिंग फील्ड है, और इमर्जिंग फील्ड में बूम आता है और ह्यूज रिक्वायरमेंट, आपको इतनी रिक्वायरमेंट अगले 2 से 3 सालों में आ रही है, बल्कि अभी ऑलरेडी कई इदारे इस पर काम कर रहे हैं। सुपार को काम कर रहा है, हाइड्रोग्राफी डिपार्टमेंट कर रहा है, NIO कर रहा है, और प्लानिंग डिवीजन कर रही है, आपके पोर्ट अथॉरिटीज कर रही हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, उस हकीकत से आप छुटकारा नहीं पा सकते। यू हैव टू फेस इट एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द चैलेंजेस, और उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए यू नीड टू हैव मैन पावर, यू नीड टू हैव टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी इटसेल्फ वुड बी ऑफ नो यूज विदाउट द मैन पावर, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव मालूमात हमें फराहम की गई, हम सब की नॉलेज में इजाफा हुआ हमारे पैनलिस्ट ने दी, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर आसिफ इनाम की और लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद इदरीस साहब की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।